मैं निक्की दुबे, न्यूज लाइव प्लस में आप सभी का स्वागत है। रांची मांडर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भाई बहन के इस अटूट प्रेम प्रकृति परिक्रमा को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना कर मनाया गया। मांडर के सभी गांव में शादी और बहुत ही धूमधाम से किया गया कर्मा पूजा। वहीं शोषई आश्रम महावीर मंदिर में सभी वर्ग के बहनें और बच्चियों ने मिलकर अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा, साथ ही भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन भी किया, जिसके पश्चात प्रसादी वितरण किया। आइए आपको लेके चलते हैं गिरिडीह जिले के अजीडी गांव में। आपको वहां की बहनों में अपने भाई के लिए श्रद्धा और प्यार को दिखलाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजया सिंह। आप कितने दिनों से कर्म देव का पूजा कर रहे हैं? हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग कर्म गोसाई का पूजा करते हैं, कलम डाली का पूजा करते हैं, जिसमें विष्णु भगवान का पूजा होता है। इस पूजा के पीछे क्या कहानी है या किस उद्देश्य से आप पूजा करते हैं? हम लोग अपने भाई की रक्षा के लिए ये पूजा करते हैं। जंगल से कर्म का डाली तोड़ कर ये काट कर लाते हैं, उसका विधि विधान के साथ स्थापना करते हैं और फिर उनका पूजा करते हैं। फिर सुबह में हम लोग इनको बड़े धूमधाम के साथ इनका विदाई करके और नदी में या तालाब में इनका उनको प्रवाहित कर देते हैं। इसके पीछे और कोई उद्देश्य है इस पूजा के पीछे? कर्म गोसाई का पूजा होता है, उसमें विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं, विष्णु भगवान का पूजा होता है। और आज भादो का एकादशी है और एकादशी व्रत के नाम पर भी इसका पूजा किया जाता है। बहुत से लोग कर्म गोसाई की पूजा करते हैं और शाम को फलहार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सो एकादशी व्रत करते हैं और फलहार करते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करते हैं।